भाई हम सब इंडियंस है ना धूप में काले होते हैं और फॉरेनर्स है ना लाल होते हैं, पर धूप है और यहाँ पर छाव है तो छाव का कितना है भाव आप लोग देख लो। लोगों ने दिल चाहता है मूवी देखी होगी, उसमें जैसा सेम सीन था ना वो हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीम चौकसा का हेलो एंड वेलकम, वनकम, जय भीम। मैं रोहित फकीर मोहम्मद सोलगर आप सबका कलंगुट बीच से, गोवा से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोग हमारे होटल के बाहर खड़े हैं, आज का ये डे टू है, दूसरा दिन है और अभी हम लोग सबसे पहले जाने वाले हैं। आप सब ने एक मूवी देखी होगी दिल चाहता है, उसमें जो चपोरा फोर्ट है सबसे पहले हम लोग वो एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि हमारे होटल से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर पार्क की है और अपने बंधु लोग शाहिद भाई, अफाक भाई एंड बद्री, तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और अफाक की ये बहुत ख्वाहिश थी कि वहां पर जाना है, दिल चाहता ही है ना मूवी, यस दिल चाहता है मूवी, ये वाला जो स्पॉट है ना वहां पर जाना है हमें। चलो अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं, मार्केट है कलंगूट और बागा यहाँ से पास ही में है। अभी यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, आप देख सकते हैं वहां पर मापसा पंजीम, मापसा के लिए लेफ्ट, मापसा वाले रोड पे जाना है और ये गोवा के बस आप लोग देख सकते हैं कैसे हैं। ये यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो बागा, अंजुना, वेगेटर, मापसा से स्ट्रेट है। हम लोग ने फैजान भाई को भी बुलाए थे, फैजान भाई को, बट फैजान भाई आ नहीं सके। पेड पार्किंग 100 रुपीज है यहाँ पर, भाई इसका सपना है थार लेने का, इंशाल्लाह लेगा एक दिन। मार्केट है चपोड़ा फोर्ट और फोर्ट टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं 10 AM to 5 PM, 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ये फोर्ट का टाइमिंग है। और मैंने कहा ना कल वाले व्लॉग में आप लोगों को यहाँ पर आपको सिर्फ फसीनो देखने के लिए मिलेगी, मतलब मोस्टली आप लोगों को फसीनो देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। कुछ खा के निकले नहीं, बस चाय पिए थे तो यहीं पर कुछ खा लेते हैं, है ना, भूख भी लगी है थोड़ा खा लेंगे और फोर्ट भी घूमने अपने को। चलो तो अभी हम लोग मैगी खा रहे और ये हमारा व्लॉग लाइव हो चुका है, आप लोग ज़रूर देखना। 10 मिनट वॉक करना है, जो कुछ भी लेना है ना, जो कुछ पीना है, वाटर बॉटल अगर अपने को कैरी करनी है तो यही से ले लो, कॉज फिर ये 120 स्टेप्स है, ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। चलो 120 स्टेप्स, बद्री गिन 12 13 14 15 16 17। अच्छी जगह पे जाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ता है भाई, हम सब इंडियंस है ना धूप में काले होते हैं और फॉरेनर्स है ना लाल होते हैं। चलो देखो ये बाबू, देखो ये 120 स्टेप्स पूरा चल के चल रहा है। फाइनली अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड व्यू देखिए आप, क्या खूबसूरत व्यू है। आज ये रूम आ रहा है, तो हम लोग फोर्ट पे आ चुके हैं भाई, यहाँ तक आने के लिए मेहनत तो लगी है, क्या बोलते बद्री, बहुत मेहनत लगी है और अभी पसीना, ये देखिए ये स्पॉट है ना वो ब्रो, ये स्पॉट है वो, करते क्लिक उधर पिक। चलो
उसी तरह से होगा, एक वहां पर बैठा था, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर खड़ा था। ओह वाव भाई साहब, क्या ही व्यू है। कंटेंट बनाने के लिए निकलो ना तो पसीना ही पसीना आता है भाई। तुम भी घूमने आए हो, कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से आए? कितना टाइम लगा रहेगा भाई? कैसे आए, ट्रेन से? भाई ट्रेन आए हो कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है और रात में बहुत ज्यादा ठंडी है भाई, गुलाबी ठंडी है यहाँ पर। नीचे जितने भी स्टॉल्स थे ना, उन्होंने पहले ही कहा था कि 120 स्टेप्स है और फोर्ट पे जाने के बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग अपने साथ में पानी ये कैरी करना, हाइड्रेटेड रहो भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर आने तक हम लोगों को आके शायद हाँ गलती कर दी है भाई साहब, आधा घंटा भी नहीं हुआ और यहाँ पर क्या ही गर्म है, माहौल थोड़ा गर्म है, बाकी अल्लाह का करम है भाई। ये वाला स्पॉट है ना, इसको बुक करना पड़ता है, जो आता है यहीं पर पिक लेता है। अभी एक एक फोटो के लिए थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ रहा है और अभी हम लोगों ने पूरा फोर्ट घूम के आ चुके हैं। वैसे लाइन में खड़े सब देखो, नन्ना बाबू भी यहाँ पर आया है फोर्ट पे। बड़ा हो गया, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, ओके डन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आंखों में डूब जाने को, कैमरा हो तो सबका फोटोज निकालना पड़ता ही है। बहुत सही लगा यार, अच्छी जगह है एंड ये शूट का मेरा, स्पेशली बीचेस एंड द फोर्ट्स आर वेरी गुड हियर। लगा मिल गया आपसे, सेम है, आई एम गोइंग विद योर वन क्वेश्चन। अंग्रेज गोरी को लाल को होता है। यहाँ पर धूप है और यहाँ पर छाव है, तो छाव का कितना है भाव आप लोग देख लो। सोने से महंगी है। चलो भाई पूरा फोर्ट घूम ले, फोर्ट घूमे भाई, क्या फोर्ट है यार, एक नंबर, और यहाँ का व्यू भी एक नंबर, सब एक नंबर। देखो असली फील तो भाई लोग ले रहे सब एकदम मैच। कैसा मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है। मेरे ख्याल से भाई गोवा में दिन बड़े होने चाहिए, रात छोटी होनी चाहिए, है ना? आपको जो मजा है वो दिन से मजा नहीं है भैया। हाँ क्या? हाँ मतलब आपके ख्याल से रात बड़ी होनी चाहिए, दिन छोटा होना चाहिए। अरे भाई साहब क्या बात है, भाई साहब क्या गर्मी है। पहले एक वाटर बॉटल लिए, उसके बाद फिर गन्ने का जूस। सो अभी हम लोग चपोड़ा फोर्ट से निकल चुके हैं और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं आरोम्बोल बीच पे, और फिलहाल टाइम हो रहा है दो बज रहा है। अभी हम लोग आरम्बोल बीच पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी शायद पेड पार्किंग है, यह हमारी दूसरी लोकेशन है। और मुझे मोशन सिकनेस है, गाड़ी जमती नहीं है, अगर मैं गाड़ी चलाऊँ तो ही गाड़ी जमती है, अदरवाइज मैं अगर यहाँ बैठूँ ना ड्राइवर सीट के पास में तो जम सकती है, पीछे मुझसे नहीं होता है भाई।
इसलिए मैंने बद्री को बोला, बद्री थोड़ी साइड में लगा हो भाई, अब स्टेयरिंग अब वो पकड़ेगा। हाउ मच ब्रदर? 50 रुपीज। पार्क किए हैं और शूज भी निकाल दिए, अब चप्पल पे आए क्योंकि हम लोग अभी आ चुके हैं आरंबोल बीच पे। साहब आरंबोल बीच आ चुके हैं, ये दोपहर में आए हैं हम लोग यहाँ पर क्योंकि और भी बहुत सारी जगह हमें घूमनी है। आरंबोल वेंगुरला में भी ऐसा ही है, बीच साइड ऐसे सब घर है वेंगुरला बंदर पे। एक शाम होती है और वो शाम में कहाँ कहाँ घूमना है। वैसे हम लोग पानी में हम लोग जाने वाले नहीं, घर से हम लोग पहले से ही मना किया है कि शायद तो आप लोग पुल में नहाना पड़िए। देखो भाई ये बच्चे लोग हमारे गांव में भाई समंदर से दूर रखते हैं बच्चों को, और ये दोनों बच्चे लोग यहाँ पर बिंदास समंदर के किनारे पे एंजॉय कर रहे हैं। भाई ऐसा कॉन्फिडेंस मुझ में कभी नहीं आने वाला। बट मेरा वेट जब भी 97 केजी था तो 90 केजी मैक्सिमम होना चाहिए तब, इसलिए मैंने नहीं किया था, फिर उसके बाद कभी ख्वाहिश भी नहीं हुई। ये हम लोग आरंबोल बीच पे और बहुत सुकून है यहाँ पर, मस्त लगा यहाँ पर आके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा मार्केट है यहाँ पर, लेट्स गो। हम लोगों को आरंबोल से निकल के एक 1.5-2 घंटा हो गया है, हम लोगों ने दोपहर में कुछ खाया ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता किए थे, तो अभी हम लोग जाके पहले खाएंगे। और हम लोग जो बीच पे गए थे वहां से काफी था। दोनों ने फ्राइड राइस लिया है, हम लोग दोनों ने शेजवान राइस लिया है।